कैसे हो आप सब आई होप सब बहुत मस्त होंगे सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु आज का जो सेशन है उसमें आज मैं आपको प्री बोर्ड्स के लिए ऐसे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूं आपके लाइफ प्रोसेस के चैप्टर से जो अक्सर इसी तरीके से घुमा फिरा करके पूछ लिए जाएंगे आपके एग्जाम में तो मेक श्योर sure करना कि ये सारे क्वेश्चन जानने के लिए आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन को वॉच कर लो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि लाइफ प्रोसेस के चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन तो हमको अपने बोर्ड और प्री बोर्ड्स के लिए तो कतई मिस आउट नहीं करके जाने हैं चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम तो पहले ले लेते हैं थोड़ा प्यारा सा मोटिवेशन कि भाई दिवाली का फेस्ट आने वाला है साथ साथ में प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं तो मैम फेस्टिवल कैसे एंजॉय करो चलो कोई दिक्कत नहीं है बाबा कोई दिक्कत नहीं है प्री बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे बस फ़िलहाल के लिए स्ट्रेस फ्री होकर के मैम का सेशन अटेंड करो और थोड़ा सा मोटिवेशन ले लो बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर नो दैट देर इज समथिंग इन साइड यू दैट इज ग्रेटर दैन एनी ऑब्स्टिकल एग्जैक्टली भाई खुद के ऊपर बिलीव रखो भरोसा रखो कि भाई फेस्ट के साथ साथ प्री बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर जरूर कर लोगे परेशान होने का इतना ज़रूरत नहीं है तुम मेरे सारे प्यारे से बच्चे टॉपर हो ठीक है चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सारे क्वेश्चन को ना फाइव फोर थ्री और टू मार्कर्स में डिवाइड अप कर लिया है ठीक है तो मेक श्योर sure करना कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे

तो भाई दो तरीके एक हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के वो ट्रांसफर होती है है ना होती है कि नहीं होती है ठीक है और कैसे होती है सबसे पहले आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स के अंदर एंटर करता है लंग्स उसको पूरा ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करती है मतलब जो डी ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करते हैं लंग्स आपके फिर वहां से आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है पल्मोनरी वेन में जो कि लेकर आती है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे आपके हार्ट में दो जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट लेफ्ट एट्रियम में पोर कर देती है फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप करके कहाँ पूरे ब्लड पूरे सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ द एओटा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी होती है और अगर मैं कॉम्बिनेशन का मीनिंग पूछूँ कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है और इसी कंबाइंड स्टेट में वो पूरा बॉडी में हमारे ट्रांसपोर्ट होती है ठीक है तो अगर अब मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की भाई तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये आपका मेनली कार्बोनेट्स के फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है 70 टू 75 फाइव परसेंट यह मेनली आपका कार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है जो कि प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के ठीक है देखो आपका जो ऑक्सीजन होता है वो कंबाइंड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है सॉरी ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ रह करके ट्रांसपोर्ट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मेनली आपका कंबाइन होकर के कार्बोनेट्स के फॉर्म में एच सी ओ थ्री के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है आपके ब्लड में ठीक है और बहुत ही कम परसेंट थ्री टू थ्री परसेंट ही अप्रोक्सीमेटली ऐसा होता है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है आपका तो भाई जनरल सा जो स्ट्रक्चर होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें आपके लंग्स हार्ट वेन्स आर्टरी सब इन्वॉल्व होते हैं लंग्स आप जैसे ही ब्रीदिंग करते हो तो ऑक्सीजन अंदर एंटर करी जो कि एल्वियोलाई में फिल होती है वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं तो ब्लड जो आता है डीऑक्सीजनेटेड होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के अंदर जाती है डिफ्यूजन के प्रोसेस से और एल्वियोलाई में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके ब्लड के अंदर आती है और इसी तरीके से आपका लंग्स जो होता है ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है जो कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करके लेके जाता है आपका पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से वो

ओन फूड अपना खाना वो खुद बना लेते हैं है ना एंड हेड्रोट्रोप्स कहते हैं दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड है ना दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देअर फूड नीड्स है ना एंड दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे ऑटोट्रॉप्स परफॉर्म कर सकते हैं जिसके थ्रू वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं हेट्रोट्रॉप्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उनमें फोटोसिंथिस का प्रोसेस नहीं होता फोटोसिंथिस के प्रोसेस की वजह से इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल वाला पिगमेंट जबकि हेट्रोट्रॉप्स के अंदर कोई भी क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है यही रीजन होता है कि वो जादू नहीं होते मतलब अपना खाना खुद बना नहीं सकते भाई मम्मी जो खाना बना रही है किचन में उसको बनाना नहीं कहते मम्मी जो खाना बना रही है वो भी तो प्लांट से ही आया है राजमा राइस रोटी वगैरह सब कुछ तो प्लांट से ही आया है आपका तो प्लांट खाना प्रिपेयर करते हैं उनका खाना हम चुरा करके खाते हैं हैं तो मगर अगर आप हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फर्दर डिवाइड करोगे ना तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं कौन कौन से होते हैं आपके एक होलोजॉइक न्यूट्रिशन होते हैं एक पैरासिटिक होते हैं और लास्ट में आ जाते हैं आपके सेप्रोफिटिक ठीक है एक लास्ट में आ जाते हैं आपके सेप्रोफिटिक ठीक है ये तीन होते हैं आपके हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो भाई कॉमन सा डिफरेंस क्या हो गया ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड नीड एज इट प्रिपेयर्स देयर ओन फूड जबकि ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फूड मटेरियल के लिए डिपेंड होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके ये इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मतलब यहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया यहां आपका फूड ग्लूकोस ये ग्लूकोस का प्रिपरेशन करते हैं बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एलगी में दिखाई देता है अब बात आ जाती है हेट्रोट्रॉपिक की तो एनिमल्स भाई ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं वो अपना ऑर्गेनिक खाना कोई भी ऐसे इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके नहीं प्रिपेयर कर सकते वो प्लांट बेस्ड चीज़ों से या एनिमल बेस्ड चीज़ों से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं अब मैं आपको बता दूं ये सबसे ज़्यादा कॉमन बेस्ड डिफरेंस है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जिसका एक लॉन्ग आंसर भी आपसे पूछा जा सकता है तो अब लॉन्ग आंसर में इस तरीके का ये टेबलेट पॉइंट्स टेबलेट जो लिखा हुआ है मैंने इस पॉइंट आप यूज कर सकते हो ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन are आर द and एंड function फंक्शन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन भाई एक तो होता है हमारा ब्लड uh, है ना जो कि हमारा कैसा होता है फ्लूइड कॉम्पोनेंट होता है क्या होता है इट इज द फ्लूड कॉम्पोनेंट ऑफ आर सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट होता है आपका ब्लड वेसल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैरियर कॉम्पोनेंट बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं कैरियर कॉम्पोनेंट्स ठीक है क्योंकि ये चीज़ों को कैरियर करके लेके जाता है लास्ट में आता है हमारा हार्ट जो दिल धड़कने दो हमारा क्या है इट्स अ पंपिंग ऑर्गन क्या है ये एक पंपिंग ऑर्गन है तो अगर मैं बात करूं इनके फंक्शंस की तो भाई ब्लड क्या करता है मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है गैसेस का एक्सचेंज करवाने में मटीरियल का ट्रांसपोर्टेशन करवाने में ठीक है तो भाई गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है मटीरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये सब कुछ आपका कौन करवाता है ब्लड करवाता है और फिर अगर मैं बात करूँ ब्लड वेसल्स की तो भाई मैंने क्या बोला कैरियर कॉम्पोनेंट जैसे कि आपकी मोटर है पानी की घर में जो लगी है उसमें से पाइप्स अटैच होते हैं वो पाइप क्या करते हैं मोटर उसको पंप कर करती है पानी को और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू उन पाइप्स के थ्रू पूरा पानी आपके घर में ट्रांसपोर्ट होता है सिमिलरली आपका जो हार्ट होता है वो पंपिंग ऑर्गन होता है वो ब्लड को क्या करता है पंप करता है और ये ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स में से ट्रांसपोर्ट होकर के आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है जहां जहां पे जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो ये ब्लड में डिजोल्व होकर के ब्लड वेसल्स उसको लेकर के जाती है इसीलिए हम इसको कैरियर कॉम्पोनेट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं हैं ठीक है अब अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये भी हमारी तीन टाइप्स की होती हैं एक होती है हमारी आर्टरीज जो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सेप्ट एक आर्टरी जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं वेन हमारी कैरी करती हैं डी ब्लड को एक्सेप्ट एक वेन जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन और लास्ट में आ जाती हैं कैपिलरीज जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही कैरी करती हैं लेकिन आपका ये टिश्यू लेवल पे मेनली गैशियस एक्सचेंज के लिए और मटेरियल एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ठीक है तो क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हो गए हार्ट हो गया जिसका काम होता है ब्लड रिसीव करना और उसको पंप करना आर्टरीज हो गई जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को ब्रिंग बैक करके लेके आती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट में कैपिलरीज गैसेस के और मटीरियल के एक्सचेंज में रिस्पॉन्सिबल होती है बिटवीन द टिश्यू एंड द ब्लड ब्लड और टिश्यूज जो टिश्यू टिश्यू लेवल होता है ना वहां पर गैशियस एक्सचेंज और मटीरियल एक्सचेंज के लिए आपके कैपिलरीज रिस्पांसिबल होती हैं ये ब्लड वेसल्स होती हैं हार्ट मैंने आपको बता दिया ब्लड का फंक्शन आपको पता ही है गैसेस का एक्सचेंज कराना टेंपरेचर रेगुलेशन कराना मटेरियल ट्रांसपोर्ट कराना वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट कराना ये सारे क्या होते हैं फंक्शन आपके ब्लड के होते हैं ठीक है ठीके? तो तो भाई अगर मैं की बात करूं, तो ये क्या ट्रांसपोर्टेशन करता, करता है क्या करता है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन इसमें दो चीजें मेनली रिस्पांसिबल होती हैं। एक तो ट्रांसपिरेशनल पुल ठीक है एक ट्रांसपिरेशनल पुल है ना और एक रूट प्रेशर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में ठीक है सपोज करो रूट का प्रेशर जैसा होगा रूट के अंदर पानी की कमी है तो रूट ने क्या किया सॉइल में से पानी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया ठीक है और हमारा ट्रांसपरेशन हो रहा है मतलब क्या होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ़ द प्लांट जो कि होते हैं आपके लीव्स है ना बहुत लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जिसमें से इतना सारा वाटर लॉस हो रहा होता है तो कंटिन्यूसली वाटर लॉस होने की वजह से ना एक सक्शन पुल बन जाता है है एक बात बताओ स्ट्रॉ से पानी पी रहे होते हो जब माउथ से सक्शन लगाते हो लगाते पुल लगाते हो प्रेशर लगाते हो तो पानी ऊपर की तरफ मूव करता है तो सिमिलरली क्या होता है ना वो स्टोमेटा में जो लीव्स में जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है ना वो एक ट्रांसपिरेशन पुल लगाता है एक पुल लगाता है जिसकी वजह से रूट्स में से पानी ऐसे निकल करके सक होकर के अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है और अगर मैं बात करूं इसके डायरेक्शन की तो ये हमेशा ही यूनी डायरेक्शनल रहता है क्या रहता है ये हमेशा ही यूनी डायरेक्शनल रहता है पानी हमेशा नीचे से रूट्स में से लीव्स तक या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक जाएगा कभी भी आपने देखा है लीफ में से पानी रूट्स तक जा रहा होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है पानी हमेशा रूट्स में से निकल करके लीफ तक जाता है तो देख लेते हैं वाटर और मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज रूट एबजॉर्ब वाटर फ्रॉम द द बाय एक्टिवली टेकिंग अप आयंस क्रिएटिंग डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीस आयंस बिटवीन द रूट एंड द दॉय रूट्स क्या करते हैं ना कंटीन्यूअसली आयन जो होता है आयन वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं तो भाई आयंस जो हो गए आपके रूट्स में ज्यादा हो गए और पानी की क्या हो गई कमी हो गई तो पानी कमी क्या होगी वाटर uh, के सॉइल के अंदर पानी ज्यादा है आयन

दूसरा होता है आपका देखो ये तो स्टीडली धीरे धीरे मूव कर रहा है एक बात बताओ पानी को आप जब धक्का दोगे पानी भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा तो एक लेवल आकर के धीरे 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 करके वो फुल नहीं होने लगेगा तो कंटिन्यूसली रूट्स के अंदर पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है तो वो छोटा सा जो कॉलम बना होता है ना वेसल्स और ट्रेकिड्स का उसमें पानी भरता रहता है भरता रहता है भरता रहता है धीरे धीरे करके मूव अप कर, करने लगता है ठीक है सिमिलरली आपका दूसरा जो फंक्शन इसमें होता है दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है स्टोमेटा अब स्टोम स्पर्मेटा क्या परफॉर्म कर रहा है ट्रांसपिरेशन जिसकी वजह से एक सक्शन पुल लगता है तो ये स्टीडी वाटर की मूवमेंट के साथ साथ आपका प्लांट जो है लीव्स जो है सक्शन पुल लगाते हैं जिसकी वजह से पानी नीचे में से पुल हो करके आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में एंटर कर जाता है समझे कि ना ही बुड़बको वेरी गुड नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स? गिव वन एग्जांपल ईच भाई अभी हमने पढ़ा था हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में ठीक है अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप्स और हेटरो ऑटोट्रॉप्स के बारे में ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रोप्स ऑर्गेनिजम्स हैं ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या है दे बोथ आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर मैं ऑटोट्रॉपिक की बात करूं तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं फूड जो प्रिपेयर करते हैं इन ऑर्गेनिक मटीरियल का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इनका ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं तो भाई देख रहे हो एक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिजम्स दोनों के लिए ही कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आंसर तुमसे पूछ लिया गया ठीक है नेक्स्ट आ जाता है आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट रहते हैं अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते इनऑर्गेनिक मटीरियल का यूज़ करके जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट uh, का यूज़ करके ठीक है इनके पास क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी नहीं होती और जितने भी एनिमल्स फंगाए और हम लोग हैं ना हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम परफॉर्म नहीं कर सकते

स्टार्टिंग विद द वन क्वेश्चन द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज देखो भाई इतना तो बड़ा हम पढ़ नहीं पाएंगे हमको आ जाती है बहुत खतरनाक आलस देखो अब मैम तो आलसी है लेकिन कोई बात नहीं आप आलसी मत बनना क्यों क्योंकि देखो सी क्यू सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाना आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाना ठीक है अगर आपको क्वेश्चंस आते होंगे तो सॉल्व हो जाएंगे तुरंत के तुरंत अगर इनकेस नहीं आते होंगे तो प्लीज अच्छे से अपने ऊपर के पैराग्राफ को रीड कर लेना माइट भी कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो उसका आंसर भी आपको वहां से मिल जाएगा ठीक है नाउ विच प्रेजेंट इन आर माउथ टू डाइजेस्ट स्टार्च अब हमें पता है माउथ में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है कौन प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड जो कि कौन सा हार्मोन से कौन सा वो सिक्रिएट करता है सलाइवरी एमाइलेस कौन सा हार्मोन से करता है एंजाइम से करता है सॉरी सलाइवरी एमाइलेज भाई तो सलाइवरी एमाइलेज इज द एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर माउथ जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है डेक्सट्रिन और माल्टोज में एंड ब्रेक डाउन इनटू डेक्सट्रिन एंड माल्टोज डेक्सट्रिन और माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है हमारा सलाइवरी एमाइलेस जो कि कौन से करता है ऐसा लाइब्रेरी ग्लैंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर द टाइप्स ऑफ एंजाइम्स रिलीज बाई आर स्टमक भाई तीन टाइप के एनजाइम्स रिलीज होते हैं एक तो हमारा एसिड ही रिलीज होता है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक रिलीज होता है पेप्सिन जिसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है ये वाला एसिड एच सी एल करता है और थर्ड रिलीज होता है आपका म्यूकस जो कि स्टमक की वॉल सिक्रीट करती हैं ताकि आपके स्टमक को वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डैमेज से बचा सकें हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी स्ट्रांग एसिड है तो वो पेप्सिन को एक्टिवेट करने के साथ-साथ आपके खाने के साथ-साथ अगर कोई खराब से बैक्टीरिया एंटर कर गए हैं तो उसको मारने का काम भी करता है और साथ-साथ में ये हमारे एचसीएल को प्रोटेक्ट एचसीएल से अपने स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है म्यूकस करता है कौन करता है म्यूकस करता है विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल इन आवर बॉडी भाई स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ठीक है नेक्स्ट आ जाता है विलाई तो भाई अगेन देख रहे हो वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विलाई क्या होता है विलाई क्या होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन विलाई क्या होते हैं ये फिंगर लाइक -like प्रोजेक्शन होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना हमारा डाइजेस्ट हो चुका होता है उसको करना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के सर्फेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं एंड टेल यू ये विलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड वैसे भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? तो ये विलाई जो क्या करती है खाना जो है अब्सॉर्ब जो उसने किया होता है ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है और ये ब्लड वेसल्स पूरे खाने को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देती है नाउ व्हाट आर द एंजाइम्स दैट आर रिलीज्ड बाय द पैनक्रियाज भाई ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन रिलीज करता है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है एमाइलेज सिक्रिएट करता है पेनक्रियाज हमारा पेनक्रियाटिक जूस जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है और लाइपेज सिक्रिएट करता है जो कि फैट का डाइजेशन करता है ठीक है किसका डाइजेशन करता है फैट का तीन टाइप के एंजाइम सिक्रिएट करता है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है और लाइपेस जो होता है फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है ठीक है

हमें आ जाती है आलस तो हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पे आते हैं जस्ट अ सेकेंड वट इज़ द पर्पज ऑफ़ मेकिंग यूरन यूर बनाने का क्या परपज़ होता है भाई यूरन क्या कंटेन करती है इट कंटेन द नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया ये सब भी प्रोड्यूस करता है हम कोई भी काम करते हैं कोई भी खाना खाते हैं तो भाई वेस्ट भी हमारा जनरेट होता है तो इस वेस्ट मटीरियल को रिमूव करने के लिए यूरन की फॉर्मेशन होती है और इस वेस्ट मटीरियल में मेनली कौन सा वेस्ट प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि हमारे बॉडी

नेफ्रॉन uh, जो कि क्या करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है क्या करता है इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वॉट इज डायलिसिस देखो डायलिसिस जो होता है ना इट्स अ आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट ये आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जिसमें हम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनकी किडनी क्या हो चुकी होती है फेल हो चुकी होती है किडनी फेलियर पेशेंट्स में ये वाला प्रोसेस परफॉर्म करते हैं

नेक्स्ट आ जाता है हमारा बोमैन कैप्सूल जिसमें से अल्ट्रा फिल्टर बाई ग्लोमेरुलस से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद ये फ़िल्टर एंटर करता है बोमैन कैप्सूल में ये बोमैन कैप्सूल कनेक्टेड होते हैं थर्ड बार आपके प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड टिब्यूल से प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड टिब्यूल कनेक्टेड होता है लूप ऑफ हैंनले से और लूप ऑफ हैंनले कनेक्टेड होता है किससे आपका फिफ्थ डी से जिसको हम डिजिटल कॉन्विटेड टिब्यूल बोलते हैं और लास्ट में आपका आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट ठीक है कलेक्टिंग डक्ट ये सारे यूरिन को कलेक्ट करके यूरे यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में एक्सक्रीट कर देती है पोर कर देती है और यूरिनरी ब्लैडर फिर उसको टेम्परेली स्टोर करता है और जब आपको अर्ज होती है कि आपको सुसु आ रही है आप जा करके सुसु कराते हो ठीक है तो ये पूरा हमारा यही था यूरिन इज टू तो फिल्टर आउट द ब्लड दैट इज़ टू तो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड सच एज यूरिया हमारा बोमैन कैप्सूल एक कप शेप्ड कॉइल्ड ट्यूब होता है जो कि कैपिलरीज से कनेक्टेड होता है जबकि जो था ग्लोमेरुलस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए आर्टिफिशियली किडनी में से और उन पेशेंट्स में जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है उसको हम डायलिसिस बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है और ये सारे हमारे नेफ्रॉन के पार्ट थे

दो वेना कावा होती हैं एक सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इनफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा जो होती है आपकी डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को आपके अपर बॉडी पार्ट्स में से मतलब है यहाँ से पूरे इतने आपके एब्डोमेन से पहले के पार्ट में से जो डी ब्लड है वो कैरी करने का काम आपकी सुपीरियर वेना कावा करती है और इन्फीरियर वेना कावा आपके लिम्स में से आपके एबडोमन के नीचे जितने भी पार्ट्स होते हैं वहाँ से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करने का काम इन्फीरियर वेना कावा करती

है वॉट इज़ हाइपर टेंशन भाई वॉट इज़ हाईपर टेंशन एंड विच डिवाइस मेजर्स ब्लड प्रेशर भाई हाइपर टेंशन जो होता है जब आपका ब्लड का जो प्रेशर होता है ब्लड जितनी तेजी से फ्लो कर रहा है वो जब ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे वॉल्स पे वो क्या करने लगता है एक एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट करने लगता है इसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर या हाइपर टेंशन बोलते हैं ब्लड जो है ना एक प्रेशर के साथ आर्टरीज में से फ्लो होता है ठीक है तो अगर वो प्रेशर बढ़ जाता है और वॉल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगने लगता है तो उस प्रेशर को हम हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन बोलते हैं और स्फिंगो मैनोमीटर इज रिक्वायर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ योर ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम स्फिंगो मैनोमीटर करता है जो कि एक डिवाइस है चलो मूविंग अहेड विद द नाइंथ नंबर वाला क्वेश्चन ऑल लिविंग सेल नीड न्यूट्रिशंस है ना एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस आल्सो द वेस्ट एंड द हार्मफुल सब्सटेंस नीड टू बी रिमूव कंटिन्यूअसली फ्रॉम द हेल्दी फंक्शन ऑफ आवर बॉडी तो भाई व्हिच एग्जिबिट फैगोसिटिक एक्टिविटी यहां पे बता रहा है लिम्फ आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन अगर मैं ब्लड और लिम्फ की बात करूं तो भाई लिम्फोसाइट्स भी लिम्फोसाइड्स भी फैगोसिटिक एक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी वेस्ट मटेरियल को या किसी भी फॉरेन मटेरियल को बैक्टीरिया को एनगल्फ कर जाना और उसको रिमूव कर देना किल कर देना उसको इसको हम कहते हैं फैगोसिटिक एक्टिविटी तो अगर हमारे बॉडी में हम डब्ल्यू की बात करेंगे और लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे तो ये दोनों ही सेल्स मिल मिल करके फैगोसिटिक एक्टिविटी एक्सबिक एग्जिबिट करते हैं इनमें होती है क्योंकि ये हमारे बॉडी में से फ़ॉरन मटीरियल और वेस्ट मटीरियल को रिमूव करने का काम उनको किल करने का काम करते हैं ना अमाउंट ऑफ ब्लड कारपसेज ब्लड कारपसेज का मतलब ब्लड के सेल्स इज चेंज इन डेंगी फीवर वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व इन पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगी फीवर इज हाँ वो होता है कि वाई आर डब्ल्यू बी सी इज कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द ब्लड भाई प्लेटलेट्स जो होती हैं वो रिड्यूज हो जाती हैं प्लेटलेट्स रिड्यूज हो जाती हैं लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो ये क्वेश्चन आप मत जानो ठीक है वाई आर डब्ल्यू बी सीज कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी डब्ल्यू बी सीज को हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फैगोसिटिक एक्टिविटी फैगोसिटिक एक्टिविटी एग्जिबिट करता है फैगोसिटिक एक्टिविटी का मतलब वो फॉरेन पार्टिकल को मारने का, का काम बैक्टीरिया फंगस वायरस को मारने का, का काम जो हमारी बॉडी में गलती से एंटर कर गए हैं करते हैं और जैसे सोल्जर्स होते हैं हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वैसे ही सिमिलरली डब्ल्यू भी करते हैं नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज प्लॉट तो भाई excessive loss of blood from the body कब होती है जब हमको चोट लग जाती है और चोट को रोकने चोट को सील करने का काम उसमें से ब्लीडिंग को रोकने का काम कौन करता है प्लेटलेट्स तो भाई कहीं ना कहीं अगर प्लेटलेट्स का रिडक्शन हो जाएगा तो हमको ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिवली होने लग जाएगी वॉट इज़ द करेक्ट फीचर ऑफ लिम्फ़ भाई लिम्फ़ के बहुत सारे फीचर्स होते हैं लिम्फ हमारा फॉरन मटीरियल को किल करने का काम भी करता है फैट का एब्जॉर्बन भी करता है और साथ साथ में ये टिश्यू फ्लूड होता है कि मतलब टिश्यू के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको भी करवाने का काम आपका लिम्फ करता है तो करेक्ट जो फंक्शन आप कह लोगे इनमें से कोई भी एक फंक्शन लिख सकते हो क्योंकि वो आपसे सिर्फ एक ही फीचर पूछ रहा है ठीक है चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ अ वेल डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स भाई ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रॉ करना है आपको ड्रॉ किया जाए ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम चलो ठीक है यहां से बना लेते हैं एक किडनी बीन ये बना लेते हैं हम दूसरी किडनी बीन यहां से निकलता है क्या यूरेटर अब दूसरा पेन लेकर के इसकी लेबलिंग कर लेते हैं तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है किडनी है हमारी ठीक है किडनी क्या करती है मेन फिल्टरिंग यूनिट होती है जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करती है ये क्या है यूरेटर्स हैं हमारे जो कि हमारे किडनी में से यूरिन को कलेक्ट करके कहाँ लेकर जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में ये क्या हो गए हमारे यूरिनरी ब्लैडर हो गया हमारा ठीक है जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है यूरिन को स्टोर करने का, का काम करता है लास्ट में आ जाता है आपका यूरेथ्रा लास्ट में क्या आ जाता है आपका यूरेथरा पार्ट मैंशन करने लो पार्ट मैंशन हो गए आपके ठीक है तो ये किडनी हमने मेंशन कर ली उसके बाद हमने क्या बाकी सबको मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको जो जो पार्ट्स में बोल रही हूँ बस वो वो मेंशन करना जैसे कि किडनी मेंशन कर लो आप लोग यूरेटर्स मेंशन कर लो ठीक है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा बस एक्सेप्ट दैट आपको और कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है ठीक है चलो मूविंग अ विद द नेक्स्ट थ्री मार्कर्स के क्वेश्चन की वाई वेयर डू द प्लांट्स गेट रॉ मटीरियल फॉर फोटो अरे बहुत खतरनाक ईजी सा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है कि वो रॉ मटीरियल अगर मैं बात करूँ प्लांट को रॉ मटीरियल फोटो के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और क्या चाहिए होता है वाटर चाहिए होता है ठीक है और क्या चाहिए होता है क्लोरोफिल चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है है फोर्थ नंबर पे सनलाइट चाहिए होती ठीक है, है तो अगर इन रॉ मटेरियल्स की मैं बात करूं तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहां से मिलती होगी ऑब्वियसली भाई एटमॉस्फेयर एयर से मिलती होगी है ना वाटर की बात करूं तो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं आपके वाटर फ्रॉम द सॉइल है ना रूट्स एब्सॉर्ब एचू फ्रॉम द सल है ना और क्लोरोफिल जो होता है आपका पिगमेंट होता है जो ऑलरेडी लीवस के अंदर प्रेजेंट होता है ठीक है और सनलाइट उनको कहाँ से मिलती होगी सन से मिलती होगी बस तो यही सारे रॉ मटीरियल्स थे जो उनको इनको फिल इन फॉलोविंग जगहों से मिल जाते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर द वे ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन टू प्रोवाइड एनर्जी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होता है वो किन थ्री वे ब्रेक डाउन होता है जहां से एनर्जी रिलीज होती है देख रहे हो कितना कॉमन क्वेश्चन है ये ये क्वेश्चन आपके रेस्पिरेशन पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इसको स्किप करके मत जाना अभी बताती हूं पहले जरा थोड़ा सा पानी पी लू ठीक है तो अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज जो है सबसे पहले आपका ग्लूकोज जो है किसमें कन्वर्ट होता है फर्स्ट इट कन्वर्ट्स इनटू द इन और यहां पर भी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी अब ये जो पायरुवेट होता है ये तीन तरीके से ब्रेक डाउन होता है एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एक होता है एनअरोबिक रेस्पिरेशन तो अगर मैं एनअरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस

वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में और मैं बता दूं एटीपी जो होते हैं 38 एट ए होते हैं और एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो होती है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है ना मसल सेल्स में होते हैं ये लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी ए के फॉर्म में रिलीज होती है

खाने का ऑक्सीडेशन करके हम लोग क्या करते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए ठीक है तो भाई इसी तरीके से आप चार्ट बना सकते हो ग्लूकोज जो होता है सबसे पहले उसको थ्री कार्बन कंपाउंड में ब्रेक किया जाता है जिसको हम पायरोवेट बोलते हैं इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं इसका फिर फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है इस तरीके से पहले ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ पायरोवेट में जो कि साइटोप्लाज में होता है ये थ्री कार्बन मॉलिक्यूल होता है फिर हम लोग एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन में मतलब यस्ट में ये एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में रिलीज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी यहाँ पर सिर्फ दो ए टी पी ही रिलीज़ होते हैं फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स में होता है जिसमें

लंग्स की तो लंग्स के अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं एल्वियो लाइक क्या होते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दे आर द बलून लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर बलून लाइक सैक होते हैं है ना गोल गोल से बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और ये इनके अंदर ना ये एलवियोलाय के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज़ प्रेजेंट होते हैं दे आर सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज़, कैपिलरीज़ से सराउंडेड होती हैं ये सारी एलवियोलाए और इतनी सारी अमाउंट में होती हैं भाई हमारे जितने दोनों लंग्स हैं ना दोनों लंग्स पूरे फिलअप हैं एलवियोलाय है से और इन्हीं में ही मेन साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज होता है आपका मेन साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज एल्वियोलाय ही है जिसका जो अंदर का डिज़ाइन होता है ना वो ऐसा टर्न्ड टर्न होता है इस तरीके से होती हैं आपकी अगर देखोगे ना तो इस तरीके से होती हैं इस तरीके से और अंदर का जो सर्फेस होता है इसमें मुड़ा हुआ होता है राउंड होता है जिसकी वजह से इसमें ऑलरेडी सर्फेस एरिया इतना इंक्रीज होता है और ये एल्वियोलाई का जो नंबर होता है लंग्स में वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है तो जितना भी गैशियस एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है एलवियोलाय में तो जितनी ज़्यादा एलवियलाई होगी उतना ही ज़्यादा अच्छे से गैशियस एक्सचेंज होगा तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एलव एंड द शेप ऑफ एलवेलाय इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंजिंग द गैस इन ह्यूमंस ठीक है लंग्स के पास ट्री लाइक ब्रांचिंग होती है जिनको हम ब्रोंकाय बोलते हैं ये ब्रोंकाय फर्दर डिवाइडेड हो जाती है ब्रोंकियोल्स में और ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या प्रेजेंट होता है एल्वियो लाई ब्रोंकाई ब्रोंकिल एंडस कंटेन द लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एलवियोलाय बोलते हैं ये एल्वियोलाई ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं एलवियोलाई हैव कर्व्ड वॉल होती हैं जो कि इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया को फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज द वॉल ऑफ एलवियोलाई इज एक्सट्रीमली थिन बहुत ही पतली होती हैं और बहुत सारी ब्लड कैपलरीज प्रेजेंट होती हैं ये दोनों ही प्रॉपर्टीज की उनकी वॉल जो होती है थिन होती है और बहुत सारी ब्लड कैपलरीज प्रेजेंट होती हैं यही दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से ही लंग्स के अंदर जो ए

सब लोग मेरे साथ बनाते हुए जाओ तो अपने आप ही डायग्राम ना ड्रॉ कर पाओगे ठीक है चलो इसको लेबलिंग कर लेते हैं अब हम लोग तो अगर मैं सबसे पहले की बात करूं तो ये क्या हो गया आपका ग्लोमेरुलस क्या हो गया ग्लो मैरुलस जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है क्या होता है इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है ग्लूकोज आयंस कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन डाईऑक्साइड बोलो नाइट्रोजनस वेस्ट वो सब आपका ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट हो जाता है ये होती हैं आपकी एफरेंट आर्टेरियोल्स जिसमें से आपका ख़राब वाला ब्लड एंटर करता है ये क्या होती है एफरेंट आर्टीरियल्स और ये होती है आपकी ईफरेंट आर्टीरियल जब पूरा ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है तो यहां से रिमेनिंग ब्लड जो होता है आपका सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है ये होता है ईफरेंट आर्टीरियल ठीक है उसके बाद ये जो कप शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये होता है बोमैन कैप्सूल जिसके अंदर आपका फिल्ट्रेट एंटर करता है बोमैन कैप्सूल ठीक है ये फिल्ट्रेट इसमें एंटर करता है ये होती हैं आपकी पी क्या होती हैं पी सी टी प्रोक्सीमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल जिसका काम होता है रीएब्जॉर्ब करने का जैसे कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है पानी भी ज़रूरी है ये गलती से फ़िल्टर हो जाते हैं तो इनको वापस से रीअब्जॉर्ब करने का काम प्रॉक्सीमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल करता है और साथ साथ में प्रॉक्सीमल कॉन्वेलेटेड टिब्यूल लूप ऑफ हैं ठीक है लूप ऑफ एनले और यहां पे आ जाता है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल ये तीनों ही मिलकर के आयंस भी सिक्रीट करते हैं जो कि होता है टिब्यूलर सिक्रीशन क्या होता है टिब्यूलर सिक्रीशन ये लास्ट में आयंस भी सिक्रीट करते हैं ताकि हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक रेगुलेशन आयंस का जो बैलेंस है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बना रहे ठीक है ये तीनों कौन करते हैं पीसीटी लूप ऑफ एनले और डीसीटी और लास्ट में आपका ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट जो जितनी भी आपकी यूरिन फॉर्मेशन हुई है उसको कलेक्ट

हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स तो भाई जो खाना होता है प्लांट्स में वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है कौन बताएगा मुझे खाना जो होता है हमारे प्लांट्स में वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो इसके लिए भाई एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं फ्लोयम क्या बोलते हैं फ्लोएम यही ट्रांसपोर्ट करता है फूड का अब ये जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट करता है ना ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है कैसा ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मतलब इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है फूड का इसको ए की जरूरत होती है कैसे होती है अब आपको बताती हूँ ध्यान से सुनना ठीक है सपोज करो ये मेरा जाइलम का कॉलम है ये मेरा जाइलम का कॉलम है ठीक है ये मेरा ज़ाइलम का कॉलम है और दूसरे कॉलम को मैं दूसरे से बना देती हूँ ये मेरा फ्लोएम का कॉलम है ठीक है ये मेरा फ्लोएम का कॉलम है ज़ाइलम के अंदर क्या होता है एच टू ओ होता है फ्लोएम के अंदर एच टू ओ नहीं होता है ठीक है फ्लोए फ्लोएम के अंदर क्या होता है फूड होता है सिर्फ ठीक है अब ये जो जाइलम होता है ना इसमें से पानी निकल करके अब यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन हाई है लेकिन फ्लोएम के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो भाई हाई से पानी लो की तरफ मूव करने लगता है एच टू यहाँ मूव करने लगता है इस तरीके से ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ठीक है यहाँ मूव करने लग जाता है और ये फूड प्लस वाटर पूरा मिक्स होकर के हमारे पूरे प्लांट्स के सिस्टम में ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसलोकेट होता है इसी को ही हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन और जब पानी इधर से इधर मूव कर रहा होता है ना तो उसको ए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसीलिए इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो जो फूड प्रिपेयर होता है सुक्रोस वो सब सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ए का यूज करके मूवमेंट अकर बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऊपर से नीचे भी खाना आता है और नीचे से खाना ऊपर भी जा रहा होता है तो होता कैसे है देखो लीव्स में से पूरा खाना कहाँ चला जाता है सीव ट्यूब के अंदर जो कि फ्लोएम टिश्यूज होते हैं फिर ये पार्ट्स ऑफ़ द प्लांट्स तक भेजे जाते हैं कैसे भेजे जाते हैं मैंने अभी आपको बताया कि आता है और खाना उसी में मिल करके पूरा नीचे दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाय यूजिंग द एनर्जी ए टी पी ठीक है? अब हमारे यहां से आ जाते है सारे टू मार्कर्स के क्वेश्चन तो भाई प्लीज ध्यान से देखना सारे टू मार्कर्स के क्वेश्चन ठीक चलो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हाउ डज द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड भाई स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डाइजेस्ट करती है फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या लाए विलाए जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं क्या करते हैं दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटस्टाइन इन विलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं तो जितना भी डाइजेस्टेड खाना होता है वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है उसके साथ मिक्स होकर के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है फिलहाल अगर एब्जॉर्प्शन करना होता है डाइजेस्टेड फूड का तो विलाई जो सर्फेस एरिया इंक्रीज़ कर देती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन

मूव दे हेल्प इन द क्या करते हैं वो मूवमेंट करते हैं उनकी सीडेंट्री एग्जिस्टेंस नहीं होते सीडेंट्री एग्जिस्टेंस का मतलब होता है वो एक जगह पे रुके हुए नहीं होते बर्ड्स जो होती हैं फ्लाई करती हैं इतनी ऊंची-ऊंची उड़ाने भरती हैं मैमल्स जो होते हैं हम जैसे लोग होते हैं हम लोग क्या करते हैं मूव कर रहते हैं तो हमें क्या होता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वी रिक्वायर मोर एनर्जी वी रिक्वायर मोर एनर्जी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा हाई होगी क्योंकि यही ऑक्सीजन जो होता है सॉरी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही खाना हमारा क्या होता है ब्रेकडाउन होता है फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है अभी हमने ऑक्सीडेशन uh, का प्रोसेस पढ़ा था ग्लूकोज जिसमें से पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था और एरोबिक रेस्पिरेशन वो परफॉर्म कर रहा था तो वो क्या था जब तक हमको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगी हम अपना खाना ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी तो यही रीजन होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को इसीलिए सेपरेट करना होता है क्योंकि हमारी जो डिमांड होती है एनर्जी की वो बहुत ज्यादा होती है एनर्जी की होने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने वजह से अगर ऑक्सीजन हमारे पास कम ट्रांसपोर्ट होगी तो एनर्जी क्या होगी कम बनेगी फिर हमको थकान थकान महसूस होने लगेगी इसीलिए भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली सेपरेट होने चाहिए मैमल्स और बर्ड्स में ठीक है

और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो इसमें भी पेरेंट काइमा होता है फाइबर्स होता है ठीक है और सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं ठीक है ये होते हैं आपके ठीक सिंपल से मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू plants गेट rid ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स भाई ये सबसे कॉमनली asked क्वेश्चन है आ, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये कुछ नहीं है एक तो प्लांट्स क्या करते हैं रेजिन्स गम्स ये सब प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू वो अपने वेस्ट मटेरियल को कहता एक्सक्रीट करते हैं उसके बाद लीव्स क्या हो जाती हैं विल्ट होकर के फॉल ऑफ हो जाती हैं सड़ करके फॉल हो जाती हैं तो लीव्स भी शेड करती हैं आपका वेस्ट मटेरियल उसके बाद रूट्स जो होते हैं कुछ बहुत आयंस जो उनके काम के नहीं होते हैं कुछ बहुत वेस्ट मटीरियल जो होता है वो भी रूट्स जो है सॉइल में एक्सक्रीट आउट कर देती है ठीक है उसके बाद आपका जो स्टोमेटा होता है वो क्या परफॉर्म करवाता है ट्रांसपीशन लीव्स जो होती है एक्सेस ऑफ वाटर को ट्रांसपेरेशन के फॉर्म में है ना लॉस करवाती है कार्बन डाइऑक्साइड वो रेस्पिरेशन के फॉर्म में फॉर्म uh, में ट्रांसपो एक्सक्रीट आउट करता है तो भाई थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो गेट रिड करता है फोटोसिंथिस में ऑक्सीजन रिलीज करता है एक्सक्रीटरी मटीरियल के फॉर्म में और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद जो पुरानी ब्रांचेज होती हैं उनकी जो लीफ होती हैं वो भी शेड ऑफ हो जाती हैं क्योंकि उनमें भी वेस्ट मटीरियल प्रेजेंट होता है और बहुत सारे रूट्स जो होते हैं उनके वो भी वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं सॉइल के अंदर साथ साथ में एक और वेस्ट मटेरियल वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपने बार्क में जिसको हम रेजिंस और गम्स बोलते हैं मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर सेशन कि हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड इसका एक मेनली रिस्पॉन्सिबल है हमारा हॉर्मोन जो कि एल्डोस्टेरॉन होता है ये हॉमोन जो होता है हमारा यही किडनी में से वाटर और को और मतलब यूरिन को मतलब यूरिन के कंसनट्रेशन को मेनटेन करने में द किडनी कैन री एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द फिल्टरेड द मैकेनिज्म एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द वॉटर लेफ्ट इन द बॉडी एंड द फिल्टरेड वाटर जो जितना प्रेजेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है अगर हमारे बॉडी के अंदर पानी कम होगा तो भाई जो आपकी यू यूरिन होती है वो कंसेंट्रेटेड हो जाती है ज्यादा येल्लो हो जाती है लेकिन अगर हमारी बॉडी में वाटर का कंसनट्रेशन ज्यादा होता है तो हमारी जो बॉडी होती है ना वो ज्यादा से ज्यादा पानी को एक्सक्रीट करती है द द रिलेटिव वाटर वाटर ब्रेन बेस्ड ऑन और रिलीज सो दिस हाउ द किडनी रेगुलेट यूरिन फॉर्मेशन वो किडनी क्या करती है ब्रेन को इंस्ट्रक्ट कर देती है कि पानी ज्यादा है तो एक्सक्रीट करना है पानी कम है तो एक्सक्रीट कम करना है ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉप ट्वेंटी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आप लोगों के प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स एग्जाम के लिए तो मेक श्योर sure करना कि आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल तो भाई अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में तो बबाई एंड टेक केयर